Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom to each and every one of you. Please excuse me, I'm sipping a little bit green tea. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bless you, Jesus. Bless your holy name. Blessed be. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा सुकी ओ जेड़ी तू देना पर मैं ना भुलिया तेरा नाम तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कॉल ते ऐ खुदा दिल थी मैं रखदा हाँ ईमान हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद लॉर्ड वी एक्सक्यूज मी लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर होली नेम लॉर्ड वी कम बिफोर योर प्रेजेंस थ्रू द शेड ब्लड ऑन द क्रॉस हम बर्रे के लहू को पुकार सब अपने आंखें बंद करें और यीशु मसीह के खून को पुकारी हालेलुया सब यीशु मसीह के खून को पुकारिए हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह तेरे लहू की जय तेरे पवित्र 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 लहू की जय हो यीशु मसीह हम तेरे खून की कुदरत को खोलते हैं तेरे लहू की कुदरत को रिलीज़ करते हैं इस जगह तेरे खून की कुदरत को रिलीज़ करते हैं खून की कुदरत को रिलीज़ करते हैं तेरे लहू का अभिषेक उतरे तेरे लहू का मसा उतरे यीशु नासरी हालेलुया धन्यवाद 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 तेरे लहू के मसा को तेरे लहू की हजूरी को हम रिलीज़ करते हैं रिलीज़ करते हैं खुदावंद यीशु नासरी तेरे लहू की हजूरी को रिलीज़ करते हैं रिलीज़ करते हैं हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 तेरे लहू की हजूरी को तेरे खून की हजूरी को खोलते हैं लहू की हजूरी को खोलते हैं लहू के मसा को खोलते हैं हालेलुया हालेलुया रबखा हिस्से तेने रोबनो हजली हे बेजने जलाही लाजा गजन जलाही तेने जेरे गुदलाही तेने मिकोरोजी तेरा धन्यवाद लॉर्ड वी ब्लेस यू वी मैग्नीफाई यू वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड ग्लोरीफाई यू वी मैग्नीफाई योर नेम वी मैग्नीफाई योर नेम फॉर योर नेम इज नेम अबव एवरी अदर नेम हालेलुया 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 धन्यवाद 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 तेरे लहू की जय प्रभु तेरी पावन उपस्थिति को खोलते हैं तेरी पवित्र हजूरी को प्रभु हम अपने इस ऑनलाइन टेलीकास्ट पे खोलते हैं खुदावंद तेरे खून की पवित्र हजूरी उतर आए तेरे खून की पवित्र हजूरी तेरे खून की पवित्र हजूरी उतरे तेरे खून की पवित्र सामर्थ को हम खोलते हैं हालेलुया धन्यवाद हो थैंक यू जीसस हालेलुया अपनी प्रार्थना विनतियाँ भी प्लीज़ टाइप कीजिएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैसेज वी विल प्रे हम प्रार्थना करेंगे इस पे भेज दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए एंड में
I'll check and we all will be praying. Hallelujah. Hallelujah. Father, we pray that your angel will surround us now, that your angel will clear the airwaves, the frequencies that are up there in the celestial realm, the hindering spirits, Father, will be bound in the blood of the Lamb, so that your word may reach the hearts that you intended it to reach, Father, that your word will open up the eyes, that your word will draw your people closer to you, that your word will melt hearts and cleanse and purge. Hallelujah. Khudaon tera khoon Yeshu Masih tera kalam logon ki zindagi ko dhoye shuddh kare khudaon. Hallelujah. Aur tera kalam logon ki aankhon ko khule. Prabhu apni kudrat se quwwat se bhare kalam ko bhejiye. Hallelujah. Tera naam uncha ho Yeshu Masih ke wasila se. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. अगर आपने मेरी पोस्ट पढ़ी हो फेसबुक पे, मैंने अभी डाली है, शायद आप में से बहुत लोग नहीं पढ़ पाए होंगे. इट इज़ अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड, द स्पिरिट रेल्म. स्पिरिट रेल्म के ऊपर हम सीरीज में कुछ बातें सीखेंगे. और मेरा ये पूरा अनुमान है कि आपने बहुत सी बातें शायद नहीं सुनी होंगी. हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट में, हिब्रू में, ग्रीक में, एटिमोलॉजिकल स्टडी करेंगे, वर्ड स्टडी करेंगे, और परमेश्वर के कलाम में जो गहरी बातें, अद्भुत बातें छिपी हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ आप खोलें पहला तिमोथियस. बहुत सारे स्क्रिप्चर के ऊपर हम मनन करेंगे, तो आप प्लीज़ ब्रदर गिल हैं जो टाइप करते रहते हैं, आप बीच में प्लीज टाइप करते रहें. फर्स्ट तिमथी, पहला तिमोथियस, उसका 3 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन. फर्स्ट तिमथी चैप्टर नंबर 3 verses 6 and 7. फर्स्ट तिमथी निकालिए, पहला तिमोथियस उसका चैप्टर नंबर 3 और उसका 6 और 7 वचन. फर्स्ट तिमथी चैप्टर 3 verse 6 and 7 पढ़िए ध्यान से. मिल गया तो पढ़िए. हालेलुया. पहला तिमोथियस 3 अध्याय 6 और 7 वचन सुनिए ध्यान से. क्या लिखता है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस कहता है, नॉट ए नॉविस लेस बीइंग लिफ्टेड अप विद प्राइड ही फॉल इनटू द कंडेमनेशन ऑफ द डेविल. हालेलुया. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into the reproach and the snare of the devil. प्रेरित पौलुस बड़ी डीप बात लिख रहा है. परमेश्वर की सेवा में काम करने के लिए जो लीडरशिप को अपॉइंट करना है, अगुवाई करने के लिए प्रभु की लोगों की, तो प्रेरित पौलुस लिखता है कि तू कोई नॉविस, किसी नए बंदे को अगुआ मत बनाना, जो अभी अभी प्रभु में आया एकदम से उसे अगुआ बना देना, ये प्रेरित पौलुस लिख रहा है. ऐसा काम मत करना. न्यू फुटोस ग्रीक वर्ड है, लिख लीजिएगा. न्यू फुटोस इज द ग्रीक वर्ड फॉर नॉविस, नए चेले के लिए. लेकिन आपको मालूम ये न्यू फुटोस असल में हिब्रू में क्या वर्ड, ग्रीक में क्या वर्ड है? न्यू फुटोस का मतलब होता है नया पौधा. जो नया नया पौधा है, समझ रहे हैं आप, छोटा सैपलिंग प्लांट, उसको लीडरशिप में मत लेकर आना, उसको अगुआ मत बनाना. और आगे क्या लिखता है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस लिखता है, लेस्ट बीइंग लिफ्टेड अप विद प्राइड. लेस्ट बीइंग लिफ्टेड अप विद प्राइड. लिफ्टेड अप के लिए जो प्रेरित पौलुस वर्ड यूज कर रहा है वो है टाइफो, जहां से हमारा वर्ड निकलता है टाइफून. कहीं ऐसा ना हो घमंड की जोरदार आंधी में बंदा अपने आप को बहुत ऊपर चला जाए और अपने आप को बोले मैं पोप हूँ, मैं ओवर आर्चिंग बिशप हूँ, मैं मेजर माइनर प्रॉफिट हूँ, मैं चीफ अपोसल हूँ, चीफ पास्टर हूँ. कहीं ऐसा घमंड उसके अंदर ना आए,
वो ग्रीक में लिखा है टाइफू, ऐसी टाइफून रूपी जो स्पिरिट होती है हरिकेन, वो उस बंदे को, और इसका मतलब है, इसका ओरिजिनल मतलब है टू रेज ए स्मोक और मिस्ट, कहीं ऐसा धुआं अपनी प्रसिद्धि का उठाए और ऊपर की ओर चला जाए। और वचन में लिखा है, क्या लिखा है, नॉट एन ऑलवेज लेस ही लिफ्टेड अप विद प्राइड एंड फॉल इन टू द कॉन्डेमनेशन ऑफ द डेवल, शैतान की कॉन्डेमनेशन। और आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है, करीना, शैतान उसको हेवनली कोर्ट में ले जाएगा, उसकी जुडिशियल रिमांड लेगा, जुडिशियल कस्टडी लेगा, और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगा, और शैतान उसको बंधन में बांध लेगा। आपको मालूम पीटर के खिलाफ शैतान ने याचिका दी, मैंने आपको बताया था लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 31-32 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, साइमन साइमन सेटन डिमांडेड दी, शैतान ने तुझे मांगा, जुडिशियल टर्म है, ही रिक्वायर्ड यू टू बी पुट ऑन रिमांड, कि तेरा रिमांड लिया जाए, जैसे पुलिस रिमांड पे ले लेती है ना लोगों को जो अभी प्रूवन भी नहीं होते कल्प्रिट, उनको भी लेती है। तो तुझे रिमांड पे लेना चाहता था शैतान, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। यीशु मसीह हेवनली कोर्ट में गया, यीशु मसीह ने एक रिट डाली, पिटीशन डाली पिता के आगे, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने पिता से ये प्रार्थना की कि शैतान तुझे रिमांड पे बेशक ले ले, लेकिन तेरा विश्वास ना जाता रहे। रिमांड पेश साइमन को रहने की एक वजह है, वो है प्राइड। वो प्रभु से कहता है, प्रभु दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपने भुजाओं का बल। फिर प्रभु से कहता है, नहीं 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 प्रभु को साइड में ले जाके बोलता है, नहीं, तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, दूर हो शैतान, तू परमेश्वर की नहीं बल्कि शैतान की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है स्पिरिट रेलम में क्या क्या होता है, आत्मा की दुनिया में क्या क्या होता है। शैतान जुडिशली काम करता है, शैतान कभी भी आपके खिलाफ इलीगली नहीं आता, इलीगली नहीं आएगा वो, जब आप उसे लीगल ग्राउंड देंगे। इसलिए वचन में लिखा है, डू नॉट गिव प्लेस टू द डेवल, दैट्स अ जुडिशियल टर्म। शैतान को अपने जीवन में संवैधानिक अधिकार मत दो। हालेलुया। और वचन में लिखा है वो जजमेंट में लाएगा और क्या करेगा, कॉन्डेमनेशन ऑफ द डेवल, वो कोर्ट में ले जाके उस बंदे को जुडिशियल उसमें फंसाएगा, उसके खिलाफ वर्डिक्ट लेगा और उसके जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए स्पिरिट रेल्म में क्या होता है, सेटन हेवनली कोर्ट्स में जाता है और जुडिशियल कस्टडी मांगता है प्रभु के लोगों के खिलाफ। और एक वचन और पढ़िए आप जल्दी से, दूसरा तिमोथियस, अभी आपने पहला तिमोथियस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस, उसका 2 अध्याय, दूसरा तिमोथियस का 2 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर नंबर 2 एंड वर्सेस 24-25, दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय और 24-25 वचन सुनते रहिएगा अभी आप, फिर सब बातें करेंगे हम, प्रेशियस ब्लड और एवरीथिंग विल टॉक। फर्स्ट यू जस्ट पॉन्डर ओवर द वर्ड कि कलाम में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 2 तिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 24-25, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, एंड द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड मस्ट नॉट स्ट्राइव बट बी जेंटल अन टू ऑल मैन, एप्ट टू टीच एंड पेशेंट। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज हैं परमेश्वर की सेवा करने वाले अगुए की। ही मस्ट नॉट स्ट्राइव, झगड़ालू ना हो लिखा है पंजाबी हिंदी में, मस्ट बी जेंटल टू ऑल मैन, एप्ट टू टीच, पेशेंट। उसकी स्पिरिचुअल वर्च्यू के आध्यात्मिक गुण उसके अंदर क्या होने चाहिए। और 25 वचन में लिखा, इन मीकनेस इंस्ट्रक्टिंग दोज दैट अपोज देमसेल्व्स, जो विरोध भी करें उनको भी हलीमी से सिखाए। इफ गॉड पर एडवेंचर विल गिव देम रिपेंटेंस टू द एक्नॉलेजिंग ऑफ द ट्रूथ, परमेश्वर उनको उनके ऊपर कृपा करे ताकि वो क्या कर लें, परमेश्वर के सत्य को ग्रहण कर लें। अब इसका 26 वचन भी पढ़ेंगे हम, 26 वचन में लिखा है, एंड दैट दे मे रिकवर देमसेल्व्स आउट ऑफ द स्नेयर ऑफ द डेवल। खुदा का बंदा इस तरह का परिपक्व हो कि लोगों को ऐसे सिखाए ताकि वो क्या करें, सो दैट दे मे रिकवर देमसेल्व्स। ये वो लोग हैं
जिनके इर्द गिर्द पोटेंशली सेटन घूमता है। ये ऐसे कलीसिया के अंदर लोग हैं जो हाशिए पे हैं शैतान के, परमेश्वर के साथ सट के पूरी तरह, परमेश्वर के वचन के बिल्कुल संग चिपक के नहीं चलते हैं, तो शैतान के हाशिए पे हैं। तो प्रभु के दास लिखता है कि प्रभु का बंदा ऐसा हो कि उसके द्वारा ये जो लोग हैं इस कैटेगरी के, एंड दैट दे मे रिकवर देमसेल्व्स आउट ऑफ द स्नेयर ऑफ द डेवल, वो शैतान के स्नेयर से अपने आप को रिकवर करें, हु आर टेकन कैप्टिव बाय हिम एट हिज विल, जिनको उसने क्या किया है, सेटन हैज टेकन पीपल कैप्टिव एंड पैगिस इज अ वेरी प्रोफाउंड ग्रीक वर्ड दैट पॉल एम्प्लॉयज हियर। Pegasus is a nook, is a snare, it's like a net that is cast. जैसे मछली को पकड़ने के लिए वो कुंडी होती है ना, उसके अंदर एक मछली लगाई होती है जिसको देखकर एक मछली भागी आती है, एक ट्रैप जिसे हम बोल सकते हैं। शैतान एक ट्रैप लगा के रखता है और सही समय पे वो फंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है दे मे रिकवर themselves आउट ऑफ द स्नेयर ऑफ द devil, हालेलुया। Diabolos is the Greek word for Satan. He is absolutely diabolic. You cannot anticipate anything good coming out of the devil. He is through and through, in and out, evil and vicious. And he is your enemy number one. He prowls like a roaring lion all around you. He is on watch at all times. He prowls like a roaring lion. He seeks that he may devour you and completely annihilate the people of God. He is sold out against the children of light. तो वचन में लिखा है उसका ट्रैप जो है, जो स्नेर जो है शैतान का, वो स्नेर डालता है, हालेलुया, उसमें से वो निकल सकें। पेगिस और डायबलोस शैतान का नाम, और उसका जो जोगरियो तीसरा वर्ड पॉल यहाँ पे यूज करता है, जैसे एक बड़ा विशियस प्लान है उसका लोगों को डिस्ट्रॉय करने का, तो उसमें से वो निकल सकें। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये बता रहा है, ए जेंटल सर्वेंट ऑफ गॉड थ्रू हिज मीक एंड मच्योर लीडरशिप कैन पुल सच पीपल आउट हु आर पोटेंशियली द टारगेट ऑफ द एनिमी। दे डू नॉट नर्चर दोज डिवाइन वर्च्यूज इन देयर हार्ट, इन देयर लाइव, एंड दे आर वेरी मच ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द टेरिटरी ऑफ द सैटेनिक किंगडम, बट अ मैन ऑफ गॉड कैन पुल देम एंड ड्रॉ देम। तो आत्मा की दुनिया में क्या क्या चलता है ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 35 और 36 वचन पढ़ेंगे, लूका 11 35 36 ये बताता है, एक इंसान के अंदर एक समय में अंधेरा और रोशनी रह सकते हैं। एक विश्वासी के अंदर उसके वजूद का एक हिस्सा प्रभु से प्यार करता है, उसके वजूद का दूसरा हिस्सा अभी भी पाप में है। ऐसे विश्वासी हैं जिनके जीवन में उन्होंने कई छोटी छोटी बदकारियों, पापों के ऊपर, इनिक्विटी के ऊपर विजय पाई है, लेकिन कई छोटे छोटे मसले उनके जीवन में हैं, या कई बड़ी बड़ी चीज़ें जीत ली हैं लेकिन कई छोटी चीज़ें उनके अंदर हैं जिनके बीच में शैतान उनके ऊपर जोर मारता है। तो लाइट एंड डार्कनेस बोथ कैन ड्वेल, एक ही समय पे इंसान के अंदर रह सकते हैं। एक नया जन्म पाया व्यक्ति अपने जीवन के कई हिस्सों में शैतान का गुलाम हो सकता है। वचन से हम आज सीखेंगे, कल सीखेंगे, दो तीन सेशन इसी के ऊपर मैं करूंगा, आपको ओरिजिनल ग्रीक हिब्रू वर्ड बता के हम स्टडी करेंगे। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ आप यकूब की पत्री। यकूब प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई था, मरियम और यूसुफ की फिजिकल औलाद था, और ये वो व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसने यीशु मसीह का दर्शन पाया और यीशु मसीह का एक बहुत ज़बरदस्त दास बना। वचन में इसके विषय में लिखा है, ही वॉज अ पिलर, कलीसिया का एक स्तंभ था। हालेलुया। यकूब की पत्री उसका 3 अध्याय जल्दी से निकालिए, जेम्स चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 13-15 में पढ़ता हूँ। जेम्स यकूब 3:13-15, हु इज वाइज मैन एंड एंडूड विद नॉलेज अमंग यू, लेट हिम शू आउट ऑफ अ गुड कन्वर्सेशन हिज वर्क्स विद मीकनेस ऑफ विजडम। तुम्हारे में कौन है
जिसको परमेश्वर ने ऊपर से बुद्धि से भरा है, स्वर्ग की बुद्धि से. लेट हिम शू आउट ऑफ गुड कन्वर्सेशन हिज वर्क्स विद मीकनेस ऑफ विजडम. वो अपने उसके जीवन में फल लगेंगे, उसके जीवन में काम होंगे, जिसके द्वारा वो साबित करेगा वो स्वर्गीय बुद्धि जो उसके चरित्र के द्वारा प्रकट होगी. बट इफ़ ई हैव बिटर एनविंग एंड स्ट्राइफ इन योर हार्ट, अगर तुम्हारे दिल में क्या है, बिटरनेस है, कड़वाहट है, जलन है और झगड़ा है तुम्हारे दिल के अंदर. ग्लोरी नॉट एंड लाई नॉट अगेंस्ट द ट्रूथ, तुम घमंड मत करो क्योंकि तुम सत्य के विरोध में खड़े हो. दिस विजडम डिसेंडेथ नॉट फ्रॉम अबब बट इज अर्थली सेंशुअल एंड डेवलिश. ये भी एक विजडम है. यकूब यहाँ पे बात कर रहा है, यकूब अपनी पत्री के पहले अध्याय में बात करता है, कहता है अगर किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो यहोवा से मांगे. निरंतर आपको बुद्धि, मैं अक्सर जब भी प्रार्थना करता हूँ बुद्धि मांगता हूँ प्रभु से, विजडम, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे. ये बुद्धि मांगने वालों को मिलती है और परमेश्वर स्वर्ग से अवश्य देता है. जब ये बुद्धि आपके अंदर आती है तब आपको परमेश्वर की बातें समझ आती हैं, तब आपको परमेश्वर की दुनिया समझ आती है, परमेश्वर का कलाम समझ आता है. पहले अध्याय में बात करता है कि कैसे किसी बंदे को स्वर्ग की बुद्धि मिलती है, लेकिन वही बंदा आगे दूसरे तीसरे अध्याय में आके बात करता है उसकी जुबान जो है, जीभ. यकूब लिखता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जुबान सबसे छोटा अंग है, लेकिन ये सबसे छोटा अंग हमारी पूरी बॉडी को नरक में डाल सकता है. बहुत सारे लोग अपनी जुबान पे काबू नहीं करते, नियंत्रण नहीं रखते, उनकी जीभ उन्हें नरक ले जा सकती है. वचन में लिखा है परमेश्वर के कलाम में, इट इज़ अ फायर बर्निंग इनसाइड द बॉडी, अ टंग दैट इज नॉट सीजन्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम. आपको मालूम जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब प्रभु पानी के नीचे गया तो वचन में लिखा ही वॉज प्रेइंग, वाइल ही वेंट डाउन ही वॉज प्रेइंग, देन ही केम अप. एज ही केम अप स्वर्ग खुला, स्वर्ग से पवित्र आत्मा कैसी सूरत में आया, डव की सूरत में आया, फाख्ता की सूरत में आया और आके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सेटल हो गया, समा गया. हालेलुया. दैट डव फाउंड एवर लास्टिंग अबोड इन द बॉडी ऑफ जीसस. दैट इज व्हाई पॉल सेज इन कोलॉशियंस, इन हिम ड्वेल्स ऑल गॉड हैड बॉडली. पीपल इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड पीपल अपार्ट फ्रॉम जीसस रिसीव्ड द होली स्पिरिट विद अ मेजर. दे डिड नॉट रिसीव द एंटायर फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट. देर वॉज नो ह्यूमन वैसल दैट कुड कंटेन द एंटायर ग्लोरी ऑफ हेवन, ओनली द बॉडी ऑफ जीसस दैट वॉज प्रिपेयर्ड इन द वूम ऑफ वर्जन मैरी हैड द पोटेंशियल पावर टू हैव ऑल गॉड हैड. पूरे का पूरा परमेश्वर यीशु मसीह में आके समा गया. हालेलुया. वो फाख्ता जिसे छोड़ा नूह ने अपनी कश्ती से, वो अपने मुंह के अंदर एक पत्ता लेकर आई, उस फाख्ता को, कबूतर को कोई जगह नहीं मिली परमानेंटली रेस्ट करने की. जब लैम ऑफ गॉड आया, अनंत परमेश्वर का अनंत पुत्र यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा है, जो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, हालेलुया, जो जगत की ज्योति है, जो स्वर्ग से उतरी जीवन देने वाली रोटी है, जो मार्ग जीवन और सत्य है, जब उसने बपतिस्मा लिया सारी परमेश्वरता ही उसके अंदर समा गई. संपूर्ण परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर आ गया जब यीशु मसीह पृथ्वी पे था. ऑल ऑफ गॉड, नॉट सम ऑफ गॉड, ऑल ऑफ गॉड केम इन जीसस. हालेलुया. यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया जेंटलनेस में. फाख्ता बिल्कुल जेंटली आता है. क्यों? क्योंकि जीसस के अंदर पाप नहीं है, बदकारी नहीं है. यीशु मसीह का जिनोम पर यहोवा का जिनोम है. यीशु मसीह का डीएनए यहोवा की ओर से आया है. लेकिन जब 120 लोगों के ऊपर पंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, कैसी सूरत में आया, वचन में लिखा बहुत तेज आंधी आई, रूहाक विंड, और वचन में लिखा आग की जीभें उतरी, क्लोवन टंग्स ऑफ फायर डिसेंडेड एंड दे रेस्टेड अपॉन ईच वन ऑफ देम. 120 लोगों के ऊपर आके क्लोवन टंग्स ऑफ फायर, परमेश्वर ने क्लोवन टंग्स ऑफ फायर दी जब कलीसिया का जन्म हुआ, क्योंकि मसला जीव का है. दिस टंग कैन टेक
अ पर्सन्स होल बॉडी इन टू हेल। तो यकूब बताता है टंग के कारण कितने मसले होते हैं कलीसिया के अंदर, कितने आपको मालूम बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर झगड़े जुबान के हैं, सिंस ऑफ टंग। फिर अगर आप देखेंगे अब थर्ड चैप्टर में, तो यकूब बताता है कि अगर आपका चरित्र, आपकी जुबान, आपका जीवन उस बुद्धि के अनुसार नहीं जो स्वर्ग से आई है, तो वो बुद्धि कैसी हो जाएगी। यकूब 3:13-15 में लिखा है, दैट विजडम दैट केम फ्रॉम गॉड विच वॉज प्योर विच वॉज होली विच वॉज सेक्रेड विच वॉज एनलाइटनिंग, दैट प्योर ग्लोरियस विजडम कैसी हो जाएगी। पढ़िए यकूब 3:15 में लिखा, दिस विजडम डिसेंडेड नॉट फ्रॉम अबव बट इज अर्थली सेंशुअल एंड डेविलिश। आपको मालूम पॉलूस कौन सा वर्ड यूज करता है अर्थली के लिए, एपिजियोस, जहाँ से हमारा वर्ड निकलता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब विजडम दैट इज इनसाइड योर DNA। आपकी बॉडी के अंदर एवरेजली 3.5 trillion DNA के सेल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में न्यूक्लियस है, एक एक जो जीनोम है आपका इट्स लोडेड विद इंफॉर्मेशन। यू नो आई वॉज रीडिंग द बुक ऑफ अ जेनेरिक साइंटिस्ट इन द US लॉन्ग बैक, अ जेनेरिक साइंटिस्ट, दे टुक 1 square inch DNA फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन एंड दे डिकोडेड इट, पुट इट ऑन द कंप्यूटर, एंड यू नो ओनली 1 square inch ऑफ ह्यूमन DNA कंटेन्ड एन इंफॉर्मेशन विद विच दे प्रिंटेड ए बुक ऑफ 620 pages। जस्ट इमेजिन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज इनसाइड योर DNA। यू आर नॉट ए सोलो यूनिट, यू हैव योर फादर इन यू, यू हैव योर grandfather, grandfather's फादर, grandfather's फादर, यू हैव योर मदर्स लाइन ऑफ, योर मदर्स फैमिली ट्री इज ऑल इनसाइड योर जीनोम। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर इनसाइड योर DNA। हालेलुया। तो ये है एपिजेनेटिक, वचन में लिखा है ये विजडम अर्थली है, जो दुनियावी है। फिर लिखा सेंशुअल, सेंशुअल के लिए वर्ड है सुखिकोस, सुखिकोस जहां से वर्ड निकलता है साइकोलॉजी, इट्स अ साइकिक, इट्स साइकिक विजडम। यू नो पीपल वर्शिप देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द वर्ल्ड, वेयर डू दे वर्शिप देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस, इन विच पार्ट ऑफ देयर बीइंग दे वर्शिप देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस, देयर स्पिरिट इज डेड, आत्मा उनका मरा हुआ है। तो दुनिया के लोग जब आराधना करते हैं अपनी कौन सी डिमेंशन में आराधना करते हैं बताइए मुझे, वो अपनी सोल में आराधना करते हैं, सुखिकोस एंथ्रोपोस में। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में 3 मनुष्य बताता है, न्यूमेटिकोस एंथ्रोपोस रूहानी आदमी, सुखिकोस एंथ्रोपोस जो है मानसिक आदमी, और सराक्स बॉडी के लिए वर्ड यूज करता है, या सोमा, सोमेटिकोस एंथ्रोपोस शारीरिक आदमी। फिर प्रेरित पौलुस बताता है कि तुम अभी दूध पीने वाले ही हो, तुम सॉलिड मीट खाने वाले नहीं बने। फिर प्रेरित पौलुस कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ दूध ही पिलाया है, तुम अभी गोश्त के लायक नहीं। और प्रेरित पौलुस वहाँ वर्ड यूज करता है यू आर निपियोस, निपियोस जहाँ से वर्ड निकलता है नेपीज, तुम अभी बच्चे हो जिनके डायपर बदलने पड़ते हैं। समझ रहे हैं आप कलीसिया की दुर्दशा कितनी भयंकर है, नेपियोस अभी डायपर चेंज करवाते। आप जरा सोचिए, मेरा बड़ा बेटा जो है वो 13 years का है और दूसरा उससे 2 साल छोटा है और तीसरा वाला 8 साल का है। जब ये छोटे थे मैं बड़े खुशी से इनके लिए हगीज़ लेकर आता था, डायपर खरीदता था। ज़रा सोचें अब जब मेरा बड़ा बेटा है वो स्कूल जाता है, अब भी मुझे मेरी वाइफ को उसके डायपर लगाने पड़ते हों, ये खुशी की बात होगी या एम्बेरसमेंट होगी। लेकिन कलीसिया की ये दशा है। प्रेरित पौलुस कहता है यू आर नेपियोस, अभी तुम्हारी डायपर नेपी चेंज करना पड़ रहा मुझे, बिकॉज यू डिड नॉट ग्रो अप।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोइंग ओल्ड एंड ग्रोइंग अप. टू ग्रो ओल्ड यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट रिलैक्स, यू आर ग्रोइंग ओल्ड. बट टू ग्रो अप यू हैव टू टेक ए डिलिबरेट इनिशिएटिव. प्रेरित पौलुस कहता है अर्थली है, एपिजेनेटिक्स है, जीन्स की ये नॉलेज है, सुखी कोष है, मेंटल मेंटल रेलम के अंदर भक्ति करते हैं जहाँ से वो आवाज़ें भी सुनते हैं, ज्योतियाँ भी देखते हैं, कई तरह के अनुभव लेते हैं. वो स्पिरिचुअल नहीं हैं, वो मेंटल रेलम के अनुभव हैं. और प्रेरित पौलुस कहता है डिमोनिक, डायमोनिडोस ग्रीक वर्ड है, डायाबॉलिक सेटन के लिए नाम है, डायमोनिडोस है ये विजडम. प्रेरित पौलुस कहता है क्योंकि ये विजडम पल्यूट हो गई. सुलेमान को यहोवा ने पवित्र बुद्धि दी स्वर्ग से, लेकिन सुलेमान ने यहोवा की विधियों को पाँव के नीचे कुचला. उसने हर गंदा काम किया. उसने 1000 औरतों से शादी की, अन्य जाति की औरतों से शादी की. वो दूसरे देश के राजाओं की बेटियां थी, पुजारियों की बेटियां थी. वो अपने देश से आईं और अपने देश के देवता लेकर आईं, उनकी मूर्तियां लेकर आईं. सुलेमान ने उनके देवी देवताओं के लिए मंदिर और भवन बनाए. फिर अपनी पत्नियों के आग्रह पर वो उनके मंदिरों भवनों में जाके माथा टेकने लगा, धूप दिखाने लगा. फिर उसने पवित्र पहाड़ पे यहोवा के, जहाँ पे उसने हैकल बनाई थी, मोलक देवता का मंदिर बनाया. और हर तरह की जादूगरी, हर तरह का बुरा काम सुलेमान करने लगा. और सुलेमान को जो बुद्धि दी थी यहोवा ने, वो बुद्धि कौन सी बन गई, जो याकूब लिखता है 3:15 में, दिस विजडम डिसेंडेथ नॉट फ्रॉम अबव बट इज अर्थली सेंचुअल एंड डेविलिश. ये संभव है कि स्वर्गीय बुद्धि को आप अर्थली सेंचुअल और डेविलिश बना दें अगर आप प्रभु के संग नहीं चलें तो. हालेलुया. इट कैन बी इन्फेक्टेड बाय डीमंस, डेमोनिक स्पिरिट्स. और फिर मनुष्य बॉन्डेज में चला जाएगा स्पिरिट रियल में. और फिर क्या होगा, जब बॉन्डेज में चला जाएगा तो उसको मेंटल प्रॉब्लम होगी और फिजिकल सिकनेस आएगी उसकी बॉडी में. हालेलुया. बीमारियां आएंगी. अब एक और वचन पढ़िए, जल्दी से निकालिए, तिमोथियस की पत्री निकालिए, पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय. पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़िए. पहला तिमोथियस 4 अध्याय के पहले वचन से ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है. यहाँ पे लिखा है, नाउ द स्पिरिट स्पीकेथ एक्सप्रेसली दैट इन द लेटर टाइम्स सम शैल डिपार्ट फ्रॉम फेथ. प्रेरित पौलुस भविष्यवाणी कर रहा है इस समय के लिए जिसमें आप और मैं, कि इस समय आत्मा ये कहता है कि बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे. किससे भटक जाएंगे? विश्वास से. पहला तिमोथियस 4 अध्याय का पहला वचन. कैसे भटकेंगे? धीरे धीरे वो पानी लेने लग पड़ेंगे, प्रार्थना किया हुआ बॉटल, एनॉइंटेड वाटर लिखेंगे पादरी उसके ऊपर, बेचेंगे उसको. वो तेल ले लेंगे, तेल खरीदेंगे, वो कपड़े खरीदेंगे, वो मग ले लेंगे, उसके ऊपर पादरियों की फ़ोटो लगी होंगी, घड़ियाँ, क्लॉक, जो भी चीज़ होगी खरीदेंगे और उनको देखना शुरू कर देंगे. और किधर से अपनी आँख हटा लेंगे? प्रभु से अपनी आँख हटा लेंगे. आपको मालूम मूर्ति पूजा क्या है? जब जैसे मैं मान लो पास्टर हूँ, मैं अपने आप को आपके आगे प्रेजेंट करता हूँ, यीशु मसीह की जगह लेता हूँ, तो ये मूर्ति पूजा है. हालेलुया. तो वचन में लिखा है डिपार्ट फ्रॉम फेथ. डिपार्ट फ्रॉम फेथ का मतलब इधर फेथ है, यहाँ पे वो फेथ को छोड़ के इधर चले जाएंगे. इट विल बी वेरी ग्रेजुअल, वेरी सटल एंड इट विल बी वेरी डिसेप्टिव डिपार्चर. और क्या करेंगे वो? गिविंग हीड टू द सिड्यूसिंग स्पिरिट. किसकी ओर ध्यान देना शुरू कर देंगे? सिड्यूसिंग स्पिरिट, प्लेनो न्यूमा. कुछ ऐसी आत्माएं हैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जो क्या कर रही हैं? सिड्यूस कर रही हैं. यहोवा की ओर से भेजी गई आत्माएं नहीं हैं. ऊपर आपके एक स्पिरिट वर्ल्ड है, उसके अंदर 24/7 एक्टिविटी चल रही है, फुली एंगेज्ड है, इट्स बजिंग. वो जो स्पिरिट रेलम है उसके अंदर इतनी हसल बसल है, इतनी ट्रैफिक है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि आप उस रेलम के अंदर पीप करके देख नहीं सकते. इसके ऊपर एक स्पिरिट वर्ल्ड है, फिर उसके बियॉन्ड यहोवा पिता का स्पिरिट वर्ल्ड है.
रोशनी की दुनिया है, ये अंधकार की दुनिया है और ये डिसेप्शन की दुनिया है। मैं एक जल्दी से आपको वचन देना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। पहला राजा 22 अध्याय, पहला राजा 22 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक, उसका निकालिए 22 अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 22, पहला राजा 22 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 19 वचन से पढ़ते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। एक नबी है खुदा का जिसका नाम है मकाया, और वो सच्चा नबी है। दो राजे उसके पास आते हैं, एक जहोशाफाट है और दूसरा जो राजा है वो ईवल राजा है। वो प्रभु के मार्गों पे नहीं चलता है। हालेलुया। ये दोनों खुदा के बंदे के पास आते हैं। तो यहीं से मैं पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा बीच में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे लिखा एंड पीछे से पढ़ता हूँ 18 से। एंड द किंग ऑफ इज़राइल सेड अन टू यहोशाफाट, डिड आई नॉट टेल दी दैट ही वुड प्रोफेसाई नो गुड कंसर्निंग मी बट ईवल। ये राजा आता है और नबूवत मांगता है नबी से, तो नबी वही बोलता है जो यहोवा कहता है। लेकिन नबी इसको ये बोलता है, मैं जाके रमोत गिलद में जाके चढ़ाई करूँ, कहता जा जा चला जा चढ़ाई कर ले। तो उसको अंदर से पता लगता है कि ये प्रभु की ओर से नहीं बोल रहा। तो वचन में क्या लिखा है 19 वचन में, एंड ही सेड हियर दाउ देयर फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मकाया सच्चा नबी है। जो सच्चे नबी है ना जितने भी बाइबल में, ये फेवरेट नहीं थे, ये पॉपुलर नहीं थे, ये मशहूर नहीं थे, ये राजा के महल के अंदर इनको सम्मान सम्मान नहीं मिला था। अक्सर राजा लोग इनसे डरते थे और इनको जेलों में डालते थे और बदसलूकी इनके संग किया करते थे। यीशु मसीह खुद कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, सारे नबी जो तुम्हारे पास भेजे गए जकरियस तक, तुमने जगवेदियों के बीच में उनको कत्ल किया यरूशलम में, और तुम मुझे भी करोगे। यीशु मसीह नबी बन के आया। ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। अब यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ याजक बन के बैठा है, हाई प्रीस्ट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मेल्कीज़ेदेक। अब यीशु मसीह जब आ रहा है वापस, 1000 साल राज करेगा राजा बनकर। हालेलुया। तो क्या लिखा है, अब वो नबूवत कर रहा है, बता रहा है इन दोनों राजाओं को। क्या कहता है, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, आई सॉ द लॉर्ड सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। मैंने यहोवा को सिंहासन पे बैठे देखा। ये होता है नबी जो स्पिरिट रेलम को देखता है। एंड ऑल द होस्ट ऑफ हेवन स्टैंडिंग बाय हिम ऑन हिज राइट हैंड एंड ऑन हिज लेफ्ट हैंड। फरिश्ते खड़े हैं, राइट हैंड पे भी खड़े हैं और लेफ्ट हैंड पे भी खड़े हैं। एंड द लॉर्ड सेड हु शैल परसुएड एहब दैट ही मे गो अप एंड फॉल एट रामोथ गिलियड। एंड वन सेड ऑन हिज मैनर एंड अनदर सेड ऑन दैट मैनर एंड देयर केम फोर्थ हिज स्पिरिट। तब एक आत्मा आया। अब देखिए, अहाब यहोशाफात के संग दोस्ती रखता है, लेकिन अहाब सबसे विकट राजाओं में से एक है, सबसे दुष्ट राजाओं में से एक है। उसकी बीबी इज़ाबेल बहुत ही दुष्ट औरत है, जिसने पूरे इसराइल को बाल देवता की पूजा करने की ओर प्रेरा और यहोवा के नबियों को मारा। तो अब देखिए प्रभु का वचन क्या आता है, प्रभु का सच्चा और सीधा कलाम आता है। प्रभु का दास कहता है, मैंने यहोवा को देखा सिंहासन पे बैठे, उसके राइट हैंड पे रोशनी के पवित्र फरिश्ते खड़े हैं और उसके लेफ्ट हैंड पे गंदी गिरी हुई रूहें खड़ी हैं। तो यहोवा पूछता है, मेरा एक काम है, कौन करेगा? तो लेफ्ट हैंड की गंदी रूहें आती हैं और वो कहती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। 21 वचन में लिखा, एंड देयर केम फोर्थ ए स्पिरिट। तब एक न्यूमा आया। कौन सा रूह आया? खब्बे पासे हूँ, लेफ्ट हैंड की तरफ से शैतानी आत्माओं में से एक शैतानी आत्मा आया। किसके आगे? यहोवा के। एंड स्टूड बिफोर द लॉर्ड, और यहोवा के आगे खड़ा हुआ। एंड सेड आई विल परसुएड हिम, मैं जाके अहाब को प्रेरित करूँगा, वो आत्मा कहता है। एंड द लॉर्ड सेड अन टू हिम, वेयर विद, कैसे करेगा?
ही सेड आई विल गो फोर्थ एंड आई विल बी अ लाइंग स्पिरिट इन द माउथ ऑफ ऑल हिज प्रॉफिट्स। मैं जाऊंगा और जितने इज़बेल के और अहाब के नबी हैं उनके मुंह में घुस जाऊंगा और वो झूठी नबूवतें करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी रूह होती है नबूवत की, कल परसों इस पर स्टडी करेंगे, हिब्रू ग्रीक में जाके देखेंगे ताकि आपको पहचान हो आत्माओं की। प्रभु के वचन में लिखा है, हे भाइयों आत्माओं को परखो। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, बदरू कहती मैं जाके, प्रभु पूछता कैसे, मैं उसके नबियों के मुंह में काम करूंगी। एंड ही सेड दाउ शैल्ट परसुएड हिम एंड प्रिवेल ऑल्सो, गो फोर्थ एंड डू सो। तो वो रू गई और लिखा है, नाउ देयरफॉर बिहोल्ड द लॉर्ड हैथ पुट ए लाइंग स्पिरिट इन द माउथ ऑफ ऑल दीज दाई प्रॉफिट एंड द लॉर्ड हैथ स्पोकन ईवल कंसर्निंग दी। जो लेफ्ट हैंड पे गंदी बदरुएं हैं, शैतानी फौजें हैं, वो भी यहोवा की नौकर हैं, यहोवा उनसे काम लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, तिमोथियस की पत्री में दोबारा से लौटिए, पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय, पहला तिमोथियस की पत्री जल्दी से निकालें, उसका 4 अध्याय क्या लिखा है। पहले वचन में, नाउ द स्पिरिट स्पीकेथ एक्सप्रेसली दैट इन द लेटर टाइम सम शैल डिपार्ट फ्रॉम फेथ। अंत के दिनों में विश्वास से पलट जाएंगे। जब आप नए नए प्रभु में आए थे, आपने इंजील सुनी थी, सुसमाचार, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरा और विश्वास का बीज प्रभु ने आपके दिल में डाला, आपने प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद आप उलझ गए, एनॉइंटेड वाटर, एनॉइंटेड ऑयल, एनॉइंटेड फलाना, एनॉइंटेड ढिमका। पहले तो प्रभु के संग शुरू किया आपने, प्रभु को देखते थे, प्रभु के वचन के भूखे थे, कलाम की भूख थी आपके अंदर, प्रभु की हजूरी की भूख थी। आप अगर कोई भी गलत काम छोटा सा करते थे, आपका विवेक आपको कचोटता था, आप उसी समय अपने आप को लहू में धोते थे, बारंबार लहू में नहाते थे, उपवास भी रखते थे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, यू स्टार्टेड मेकिंग डिपार्चर फ्रॉम फेथ, सच्चे विश्वास से दूर जाने लगे। हालेलुया। अगर सच्ची संगति ना मिले, सच्ची कलीसिया, सच्चा कलाम ना मिले, लोग डिपार्चर करते हैं फेथ से। यहाँ पे लिखा, गिविंग हीड टू सिड्यूसिंग स्पिरिट। विश्वास से डिपार्चर कब करता व्यक्ति, जब सिड्यूसिंग स्पिरिट आती है। यहाँ पे ग्रीक वर्ड है प्लेनोस न्यूमा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, कौन जाके अहाब को भरमाएगा, तो एक प्लेनोस न्यूमा निकला, भरमाने वाली रूह निकली, और उसने बोला मैं भरमाऊंगा जाके। ये रूहें काम करती हैं। यहां पे लिखा है प्लेनोस न्यूमा की ओर लोग जाएंगे, भरमाने के पीछे जो पादरियों के अंदर, अपोस्टलों के अंदर और प्रॉफिटों के अंदर काम करेंगी, उनके पीछे जाएंगे लोग। गिविंग हीड टू द सेड्यूसिंग स्पिरिट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द डेवल, डिडास्किलिया डोमिनोन, डिडास्किलिया डायमोनिया, डिडास्किलिया डायमोनिया किसके ऊपर, डीमंस की। वो जो फॉलन वॉचर 200 हरमन पहाड़ पे उतरे, वो स्पिरिट जो काम कर रही हैं, उनकी गंदी तलीम मुंह में जाएगी, हार्ट में जाएगी, झूठे अपोसलों के, झूठे प्रॉफिटों के, झूठे नबियों के, वो प्रचार करेंगे फॉल्स डॉक्ट्रिन का, और लोग फेथ से गिर जाएंगे और उनके पीछे चले जाएंगे। हालेलुया। उन स्पिरिट को तवज्जो देंगे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है अपने वचन में, पढ़िए एक वचन जल्दी से, दूसरा कुरिंथियों की पत्री निकालिए, दूसरा कुरिंथियों की पत्री जल्दी से निकालिए, उसका 7 अध्याय, दूसरा कुरिंथियों 7 अध्याय। हालेलुया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ये पूरी टीचिंग 3-4-5 सेशन में होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको उतना मिले जिसके ऊपर आप मेडिटेट करिएगा बाद में। सेकंड कुरिंथियन चैप्टर नंबर 7, और मैं उसकी पहली 4 वर्सेस पढ़ता हूँ, दूसरा कुरिंथियों 7 अध्याय के पहले वचन से, हैविंग देयर फॉर दीज प्रोमिसेज डियरली बिलवड, लेट अस क्लेंज आर सेल्स फ्रॉम द फिल्दीनेस ऑफ द फ्लैश एंड स्पिरिट, परफेक्टिंग होलीनेस इन द फियर ऑफ गॉड। क्या कहता है प्रभु का वचन, कहता है हैविंग देयर फॉर दीज प्रोमिसेज, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है प्रेशियस प्रोमिसेज। कहाँ है ये प्रोमिस, ये
ये वचन क्या है? इट इज़ कॉल्ड द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मैंने आपको बोला है, बताया था पहले, कि जैसे हमारी अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है ना, एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अन टू जरमाया, वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अन टू आइजाया, परमेश्वर का कलाम यशाया के पास आया, जिर्मिया के पास आया, परमेश्वर का कलाम अमोस के पास आया, या परमेश्वर का दर्शन ओबदाया के पास आया। तो इसको परमेश्वर का कलाम या दर्शन लिखा है। लेकिन जो वल्गेट ट्रांसलेशन है लैटिन भाषा में, वहाँ पे लिखा है एंड प्रोमिटेरे केम अन टू जरमाया, प्रोमिटेरे आया नबी के पास, प्रोमिटेरे। आपको मालूम परमेश्वर के कलाम को लैटिन में प्रोमिटेरे कहा गया है, प्रोमिटेरे। और ये वही वर्ड है लैटिन में प्रोमिटेरे जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है प्रॉमिस। तो इसका मतलब क्या है लैटिन में? इसका मतलब है जब परमेश्वर बोल रहा है वो प्रॉमिस कर रहा है। परमेश्वर रैंडमली कोई बात नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता है तो आपके साथ वाचा बांधता है, प्रॉमिस करता है। और प्रोमिटेरे एक ट्विन वर्ड है, प्रोमिटेरे एंड कॉमिटेरे। कॉमिटेरे इंग्लिश में वर्ड है, वो वर्ड है जिस जहाँ से वर्ड निकलता है कमिटमेंट। परमेश्वर प्रॉमिस बोलता है और परमेश्वर जब प्रॉमिस बोलता है परमेश्वर कमिट करता है उसको फुलफिल करने के लिए। हालेलुया। तो वचन में लिखा है हमें इतने महान वायदे दिए हैं परमेश्वर ने, डियरली बिलवड लेट अस क्लेंज आवर सेल्व्स फ्रॉम ऑल फिल्दीनेस ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट। सुनिए इतना हिस्सा, तो आओ हम क्या करें, शुद्ध करें किसे? अपने आप को। कहता है तो आओ हम सब अपने आप को शुद्ध करें। कार्थोजो ग्रीक वर्ड है, कार्थोजो। कार्थोजो का मतलब है जैसे साबुन लगा के कपड़ा धोते हो आप अच्छी तरह, उसके अंदर से एक एक स्टेन दाग निकालते हो, अच्छी तरह रिंज करते हो, फिर पानी में कितनी बार निकालते हो उस कपड़े को ताकि उसमें कोई स्टेन ना रह जाए, उसका फैब्रिक चमकने लगे। इस तरह ये वर्ड है कार्थेजो। लेट अस यहाँ पे क्या लिखा, क्लेंज अवर सेल्स। कार्थेजो अपने आप को धोएं, शुद्ध करें। किसको? फ्लैश को। ये जो फ्लैश है आपका, इसकी जो ख्वाहिशें हैं, इसकी जो डिमांड है, ये आपसे बोलता है आपका फ्लैश, ये आपको डिक्टेट करता है, आपने इसकी नहीं सुननी, स्पिरिट की सुननी। तो इस फ्लैश को धोएं, और लिखा एंड स्पिरिट, और रूह को भी धोएं। रूह भी पल्यूट होती है, गंदी होती है, और शरीर भी गंदा होता है, इसको हम धोएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुद्ध करें, और क्या लिखा है वचन में, क्लेंज देम फ्रॉम द फिल्ड, गंदगी से धो डाले। हालेलुया। और क्या लिखा है, परफेक्टिंग होलीनेस इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, और यहोवा परमेश्वर के भय में अपने आप को पवित्र करें। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है, विदाउट होलीनेस नो वन शैल सी गॉड। अब जो मूव आ रहा है ना परमेश्वर का, ये होलीनेस का मूव आ रहा है। अब पवित्रता की शिक्षा लौटेगी, जैसी आज से ओल्ड टाइमर करते थे खुदा के महान दास, वो शिक्षा लौट रही है, वापिस आ रही है कि हम अपने आप को शुद्ध करें और पवित्र करें। हालेलुया। आज मैं सोचता हूँ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। स्पिरिट रेलम की टीचिंग हम कंटिन्यू करेंगे, कल भी, कल शाम को भी, मे बी परसों भी करेंगे, और ओरिजिनल टेक्स्ट में जाके हम डिग करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना विनती अगर आप चाहते हो मेरे को भेजना, तो अभी प्लीज़, इट्स द टाइम, जल्दी जल्दी लिखिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं सिस्टर देविंदर कुलर के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उनके पति के लिए, और उनके घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी आशीष उनके ऊपर आए प्रभु। मैं पास्टर जी जो एक भाई हैं बॉबी, जिनकी शादी हुए 3 साल हुए, उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको प्रभु जी संतान की आशीष आप दें, संतान का दान दें प्रभु। प्रभु मैं भाई संदीप लोटस की बेटी को भी आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु मैं बहन सुमन की शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी आशीष उस बहन पे हो। दीपू मदर भाई के ऊपर, उसकी पत्नी का दिल आप बदलें खुदावंद, ये काम करिए प्रभु जी। देविंदर भाई जो जम्मू कश्मीर से हैं, उनके बेटे को आपके लहू में छिपाता हूँ। अमनदीप के घराने के ऊपर आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद। प्रभु तरलोक सिंह ने जो प्रार्थना विनती भेजी है, उनकी फैमिली के लिए, और एक सिस्टर ने उनके
अकाउंट से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उस बहन को भी आपके आगे लेकर आता हूँ खुदावन। प्रभु मैं शशि वर्मा के लिए, उनके घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी ब्रदर की मदर इन लॉ के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उसे अपने हाथ में लीजिए, प्रभु उसके जीवन में काम कीजिए। प्रभु अगर उसका आपके पास आने का समय है तो उसका जीवन, उसके अकाउंट आपके संग सेटल हो जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वो आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु हम मिलके उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु साबी सुरजीत की माता के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष उसके ऊपर हो। प्रभु मैं बहन कर्मजीत के लिए प्रार्थना करता हूँ, अवतार के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, के घराने पे आपकी आशीष हो। सुनीता गुरिया के लिए, उनके घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। मलकियत गिल के परिवार के लिए, खानदान के लिए भी प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। प्रभु भाई मंगल थापा के लिए, उनके घराने के लिए आपकी आशीष को चाहता हूँ खुदावन, हालेलुया। भाई ललित मेहरा के लिए, उनकी पत्नी के लिए, प्रभु वो आपको जाने, उनकी पत्नी उनके बच्चों के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो खुदावन। प्रभु अंजू मसीह के ऊपर आपकी फ्रेश एनॉइंटिंग हो, अपना ऑयल पोर आउट करें उसके ऊपर खुदावन। प्रभु जी दर्शन सिंह के लिए जलंधर में, जो उनके परिवार के घराने के ऊपर आपकी आशीष हो खुदावन। भाई रणवीर राठौर जो कश्मीर से हैं खुदावन, उनके ऊपर आपकी आशीष हो। कैलाश कुरिया के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीष ले लें। प्रभु जी आपके दास सतपाल जी के लिए, प्रभु उनके घराने के ऊपर, उनकी संतान के ऊपर अपनी आशीष को उंडेल लिए। प्रभु मैं पिंकी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ और बहन रजनी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि लहू को छिड़कता हूँ खुदावन। प्रभु मैं रीना गिल के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आत्मिक जीवन में आपकी ओर से आशीष और तरक्की मिले खुदावन। प्रभु संदीप के घराने के ऊपर आपकी आशीष हो। लवली शेरगिल भाई पे आपकी आशीष हो खुदावन, हालेलुया। प्रभु जी साबी सुरजीत की माता के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं कोमल मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके बेटे के लिए, घराने के लिए, और प्रभु इनके जो भाई हैं, उनकी जो डॉटर है क्लारा, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका लहू छिड़कता हूँ मैं। प्रभु भाई अनिल के लिए जो यूके में है, आपकी आशीष भाई के, अपने भाई के घराने पे खोलता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रमन खान के लिए कि प्रभु जी आप के पवित्र आत्मा की आग इस भाई के अंदर ऐसे समाए जैसे पहले कभी नहीं समाई खुदावन। लॉर्ड आई ब्लेस ब्रदर सुरेश कुमार, मे योर हैंड बी अपॉन हिम एंड हिज फैमिली, हालेलुया। प्रभु लॉर्ड आई प्रे फॉर कोमल सन आइजक एंड आइजाया, मे योर हैंड बी अपॉन देम। आई प्रे फॉर जग्गा गुरदासपुरिया एंड हिज चिल्ड्रन, आई स्पीक योर ब्लेसिंग ओवर देम फादर। आई स्पीक योर ब्लेसिंग ओवर ब्रदर विजय कुमार, हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे फॉर पास्टर